नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आप में से कई लोगों ने सवाल किया कि आखिर जो स्टैम्प ड्यूटी बढ़ने जा रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या सच में स्टैम्प ड्यूटी बढ़ेगा या फिर हमें एग्रीमेंट जो है करने के लिए जल्दी कहा जा रहा है इसकी वजह से जो है स्टैम्प ड्यूटी बढ़ने की बात की जा रही है। तो आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। यदि आपको सौदा घर का प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल सौदा घर को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको तमाम जानकारियां रियल एस्टेट से जुड़ी, पुणे शहर से जुड़ी मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, स्टैम्प ड्यूटी बढ़ने वाला है अप्रैल से, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हैं उससे यह कयास लगाए जा सकते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी में खासकर आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कोई बढ़ोतरी तो नहीं होगी। अगर बढ़ोतरी होनी भी होती तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन जरूर आया होता, कोई नोटिफिकेशन आया होता, भले ही बाद में उसे इम्प्लीमेंट किया जाता। तो ऐसी कोई खबर नहीं है। आप लोगों के मन में अगर कोई ऐसी दुविधा उठ रही है कि स्टैम्प ड्यूटी बढ़ने वाला है तो उसे आप पूरे सिरे तौर से जो है खारिज कर दीजिए, एक बात। दूसरी बात, कई लोग यह भी कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से यानी कि जब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो आपका रेडी रेकनर रेट यानी कि गवर्नमेंट का रेट, सर्कल का रेट, जो किसी भी प्रॉपर्टी का किसी भी लोकेशन में गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया हुआ रेट होता है उसमें बढ़ोतरी होगी तो उसके चलते आपके स्टैम्प ड्यूटी में भी रेट बढ़ सकता है। देखिए, इसके बारे में भी थोड़े मैं आपको बता दें, जो भी प्रॉपर्टी खासकर आप लोकेशन में ले रहे हैं, जैसे फ्लैट ले रहे हैं, शॉप्स ले रहे हैं, कॉमर्शियल ले रहे हैं, ऑफिसेज ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका मार्केट प्राइस है वो रेडी रेकनर के कहीं ज़्यादा होता है। अगर ये रेडी रेकनर है तो यहाँ पे आपका जो है मार्केट प्राइस है, इस प्राइस पे आप खरीद रहे हैं और इस एग्रीमेंट कॉस्ट पे अगर आप स्टैम्प ड्यूटी दे रहे हैं और नीचे से अगर आपका एक तरीके से सर्कल रेट, रेडी रेकनर रेट बढ़ भी जाए तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब रेडी रेकनर रेट का सर्वे नंबर के हिसाब से लोकेशन टू लोकेशन जब डेवलपर कोई दिखता है कि गवर्नमेंट उसे इंक्रीज कर चुकी है तो उसी के हिसाब से वो प्राइसेस में भी बदलाव लाता है। लेकिन अगर 31 मार्च के पहले की बात करें, जैसे ही मार्च का महीना आता है हर जगह ये बात दौड़ने लग जाती है स्टैम्प ड्यूटी बढ़ जाएगा, फटाफट एग्रीमेंट कर लीजिए। इसके पीछे के कारण को समझना जरूरी है। हर एक डेवलपर चाहता है कि उसका मार्च एंडिंग अच्छा हो, जो बेचने वाले वो भी ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है बेचने के बाद अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो ये बड़ी अच्छी बात रहेगी। इसके चलते आपके दिमाग में ये बात डाली जाती है कि मार्च में स्टैम्प ड्यूटी बढ़ने वाला है। लास्ट ईयर भी जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग था 22-23 का, तब भी ये बात जो है सामने आई थी, लेकिन हुआ वही कि स्टैम्प ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं आया। इस साल भी उम्मीद बहुत कम है कि स्टैम्प ड्यूटी में कोई बदलाव आएगा और इसकी संभावना इसलिए भी ख़त्म हो जाती है क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन, जैसा मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। और अगर जिन्होंने प्रॉपर्टी बुक कर ली है, जिन्होंने अब एग्रीमेंट कराना है, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है अगर वो एग्रीमेंट करा सकते हैं, क्योंकि आपको पैसा आज नहीं तो कल देना ही है, तो आप करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा समय और जो है अगर आप बिताते हैं, अप्रैल के फर्स्ट वीक में करते हैं, 10 दिन बाद करते हैं, कुछ पैसा आपका आने वाला है, तो आप उतना वेट ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि उससे आपका स्टैम्प ड्यूटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक बार अगर स्टैम्प ड्यूटी का चलान भर दिया गया तो वो 1 से 3 महीने तक वैलिड होता है, यानी कि आपका वो पुराने रेट पे ही कंसीडर किया जाता है। क्योंकि मार्च क्लोजिंग के समय होता क्या है कि आपका जो रजिस्ट्रार ऑफिस है जहाँ पे एग्रीमेंट किया जाता है वहाँ पे लोड बढ़ जाता है, जिसके चलते ये फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारी खबरें जो आपके आसपास चल रही हैं उसको एक सिरे से नकार दीजिए, उसके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि हो सकता है कि उस चक्कर में आप जल्दबाजी में डिसीजन लें और कई बार जो है फोमो के चक्कर में भी आप लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में। हमने आपको अभी लास्ट वीडियो में यह भी बताया कि किस तरीके से जो UDCPR है, यानी कि यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रूल, वो है अप्लाई कर दिया गया है 23 न्यूली एडेड विलेज जो 2021 में PMC में ऐड किए गए थे। अब वहाँ पे डेवलपमेंट राइट्स बढ़ जाएंगे, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए FSI मिलेगा, तो उसके चलते क्या बदलाव आएगा उसे जानने के लिए आप आई बटन पे प्रेस करके उसे देख सकते हैं। आपके मन में कोई शंका है, कोई मशविरा है, तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले अगर कहीं भी आपको समस्या आ रही है तो उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे प्रेस करिए, थोड़े में अपनी समस्या हम तक पहुंचा दीजिए, कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान दिया जाए। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।